विद द फोटोग्राफर बाय स्टीवन लीकॉक। ये जो कहानी है फोटोग्राफर और स्टीवन लीकॉक के बीच की कहानी है। स्टीवन लीकॉक जो है वो फोटोग्राफर के पास जाता है अपनी फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो इस कहानी में स्टीवन लीकॉक जो है वो प्रोटैगनिस्ट भी है, मुख्य पात्र और नरेटर वर्णनकर्ता, क्योंकि ये सारे अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता है कि वो कैसे फोटोग्राफर के पास गया और उनका क्या अनुभव रहा। ये जो कहानी है ये कहानी बिहाइंड द बियॉन्ड एंड अदर कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन नॉलेज जो कि 1913 में पब्लिश हुई थी से ली गई है। वर्णनकर्ता फोटोग्राफर के पास जाता है और अपमान, स्वाभिमान, स्वीकृति, हताशा, असुरक्षा और दिखावे जैसी समस्याओं का सामना करता है। इतना सब होने के बावजूद उसे अपनी तस्वीर वैसी नहीं मिल पाई जैसी वो चाहते थे। तो अभी बताते हैं किस तरीके से ये कहानी आगे सारी डिवेल्प होती है। तो ये फोटोग्राफर के पास जैसे स्टीवन लीकॉक जाते हैं और वहाँ पर जाके कहते हैं, मैं अपनी तस्वीर खिंचवाना चाहता हूँ, मैंने कहा। फोटोग्राफर ने बिना उत्साह के मुझे देखा। वह एक ग्रे सूट में एक झुका हुआ आदमी था। उसकी आँखें प्राकृतिक वैज्ञानिक की भांति धुंधली थी, लेकिन उसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। हर कोई जानता है कि एक फोटोग्राफर कैसा होता है। वहीं बैठो, उसने कहा, और इंतज़ार करो। मैंने एक घंटा इंतज़ार किया। मैंने 1912 की एक लेडीज़ कंपेनियन का संस्करण, 1902 का गर्ल्स मैगजीन और 1888 का शिशुओं के जर्नल को पढ़ा। मैंने महसूस किया कि मैंने इस आदमी की वैज्ञानिक खोज की निजता को तोड़ने में एक असंगत काम किया है, जैसे मैंने अपने चेहरे के साथ। एक घंटे के बाद फोटोग्राफर ने अंदर का दरवाज़ा खोला। अंदर आओ, उसने गंभीर रूप से कहा। मैं स्टूडियो में गया। बैठ जाओ, फोटोग्राफर ने कहा। मैं ठंडे आसमान से फैक्ट्री कॉटन की शीट से आती हुई सूर्य के प्रकाश के किरण के सामने बैठ गया। फोटोग्राफर ने एक मशीन को कमरे के बीच में घुमाया और पीछे से उसके अंदर घुस गया। वह केवल एक सेकंड अंदर रहा, बस एक बार मुझे देखने के लिए पर्याप्त था, और वह फिर से बाहर आ गया। उसने कॉटन की शीट और खिड़की के शीशे को एक कांटेदार छड़ी के साथ एक तरफ कर दिया। जाहिर तौर पर प्रकाश और हवा के लिए उन्मत्त था। फिर वह फिर से मशीन में वापस घुस गया और अपने ऊपर एक छोटा सा काला कपड़ा डाल दिया। इस बार वह यहाँ बहुत शांत था। मुझे पता था कि वह प्रार्थना कर रहा है और मैं निश्चल बैठा रहा। जब फोटोग्राफर अंत में बाहर आया तो वह बहुत गंभीर लग रहा था और उसने अपना सिर हिला दिया। आपका चेहरा काफ़ी गलत है, उन्होंने कहा। मुझे पता है, मैंने चुपचाप जवाब दिया। मैंने हमेशा जाना है, उसने आह भरी। मुझे लगता है, उन्होंने कहा, चेहरा 3/4 बेहतर होगा। मुझे यकीन है कि यह होगा, मैंने उत्साह से कहा, क्योंकि मुझे यह जानकर खुशी हुई कि उस व्यक्ति का मानवीय पक्ष भी है। तो तुम्हारा होगा, वास्तव में, मैंने जारी रखा। कितने ही चेहरे हमें दिखाई देते हैं जो स्पष्ट रूप से कठिन, संकरे, सीमित होते हैं, लेकिन जैसे ही आप उन्हें 3/4 भर देते हैं वे चौड़े, बड़े, लगभग असीम हो जाते हैं। पर अब फोटोग्राफर ने सुनना बंद कर दिया था। वह आया और मेरे सिर को अपने हाथों में ले लिया और उसे बगल में दोनों तरफ घुमा दिया। मैंने सोचा था कि वह मुझे चूमना चाहता है और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, पर मेरा सोचना गलत था। उसने जहां तक संभव था उसने मेरे चेहरे को एक तरफ घुमा दिया और फिर उसे दूसरी तरफ देखता रहा। उसने फिर से आहें भरी। मुझे सिर पसंद नहीं है, उन्होंने कहा। फिर वह मशीन में वापस चला गया और दोबारा देखा। मुंह थोड़ा खोलो, उन्होंने कहा। मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया। इसे बंद कर दो, उन्होंने शीघ्रता से बोला। उसने फिर देखा। कान भी ठीक नहीं है, उन्होंने कहा। उन्हें थोड़ा और झुका लो, धन्यवाद। अब आँखें, उन्हें पलकों के नीचे घुमाओ। हाथों को घुटनों पर रखो, कृपया,
और चेहरे को थोड़ा ऊपर की तरफ उठाओ। हाँ, अब बेहतर है। अब सिर्फ फेफड़ों को थोड़ा फैलाओ। हाँ, इस प्रकार। और गर्दन को झुकाओ, बस चेहरे को सिकोड़ो। यह कुछ अधिक भरा हुआ लगता है। लेकिन मैं स्टूल पर बैठा घूम गया। रुक जाओ, मैंने भाववेश में कहा, लेकिन गरिमा से। यह चेहरा मेरा चेहरा है, यह तुम्हारा नहीं है। यह मेरा है, मैं इस चेहरे के साथ 40 साल से रह रहा हूँ और मुझे इसके दोष पता हैं। मुझे पता है कि यह सुंदर नहीं है, मुझे पता है कि यह मेरे लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन यह मेरा चेहरा है, केवल एक ही मेरे पास है। मुझे अपनी आवाज़ के बारे में पता था, लेकिन मैं बोलता गया। यह जैसा भी है, मैंने इसे प्यार करना सीख लिया है। और यह मेरा मुंह है, तुम्हारा नहीं। ये कान मेरे हैं। और अगर आपकी मशीन बहुत संकीर्ण है। यहाँ मैं सीट से उठने लगा। फ़ोटो की खट की आवाज़ हुई। फोटोग्राफर ने रस्सी खींची, फ़ोटो खींचा गया। मैं देख सकता था कि मशीन अभी भी झटके से हिल रही है। मुझे लगता है, फोटोग्राफर ने सुप्त मुस्कान के साथ कहा, मैंने आपके चेहरे की संजीवता को एक पल में ही पकड़ लिया है। इसलिए मैं उनकी बात को काटते हुए कहा, नाक नक्श है? तुमने नहीं सोचा था कि मैं उन्हें संजीव कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तस्वीर देखने दो। उन्होंने कहा, ओह, अभी तक देखने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे पहले नेगेटिव को विकसित करना होगा। शनिवार को वापिस आओ और मैं तुम्हें इसका एक सबूत देखने दूंगा। शनिवार को मैं दोबारा वहाँ चला गया। फोटोग्राफर ने मुझे हाथ के इशारे से अंदर बुलाया। मुझे लगा कि वह पहले की तुलना में अधिक शांत और गंभीर लग रहा था। मुझे लगता है भी उसके तरीके में एक कुछ गर्व भी था। उन्होंने एक बड़ी तस्वीर के प्रमाण को दिखाया और हम दोनों इसे चुपचाप देखते रहे। क्या यह मैं हूँ? मैंने पूछा। हाँ, उसने चुपचाप कहा, यह तुम हो। और वह उस फोटो को देखता रहा। आंखें, मैंने झिझकते हुए कहा, यह मेरी नहीं लगती। ओह नहीं, उसने जवाब दिया, मैंने उन पर सुधार किया है, वे अब शानदार लगती हैं, है ना? ठीक है, मैंने कहा, लेकिन निश्चित रूप से मेरी भौहें ऐसी नहीं हैं, इस जैसी तो नहीं। नहीं, मैंने अपने चेहरे पर एक क्षणिक झलक डालने के लिए फोटोग्राफर से कहा, भौहें हट गई हैं। हमारे पास अब नए भौहें डालने के लिए एक प्रक्रिया है, डेल्फाइड, जिसके सहारे हम नई भौहें बना सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि हमने इन बालों को भौहों से कहाँ लगाया, ताकि भौहों से बाल हटाए जा सके। मुझे खोपड़ी के नीचे के बाल अच्छे नहीं लगते। ओह, तुम नहीं? क्या तुम नहीं? मैंने कहा। नहीं, वह बोलता रहा, मुझे इसकी परवाह नहीं है, मुझे आगे के बाल ऊपर की तरफ हों और नई भौहें बन जाएं। मुंह के बारे में क्या कहना है? मैंने कहा, एक कड़वाहट के साथ, मैंने कहा, जो फोटोग्राफर नहीं समझ पाया था। क्या मेरा मुंह मेरा है? यह थोड़ा सुधारा गया है, उन्होंने कहा, तुम्हारा मुंह काफ़ी नीचे झुका हुआ है, मैंने पाया कि मैं इसका कुछ नहीं कर सकता था। कान, हालांकि मैंने कहा, मुझे कान काफ़ी मिलते जुलते लगते हैं, वे बिल्कुल मेरे कानों जैसे हैं। हाँ, फोटोग्राफर ने सोच समझ कर कहा, ऐसा है, लेकिन मैं फ़ोटो में सब ठीक कर सकता हूँ। हमारे पास कानों को पूरी तरह से हटाने के लिए एक प्रक्रिया है, सल्फाइड। मैं देखूंगा यदि, सुनो, मैंने टोक दिया। मैंने अपने नाक नक्श को पूरी तरह से सक्रिय बना लिया और घृणापूर्वक बोला कि वह आदमी उसी मौके पर भस्म हो जाए। मैं यहाँ एक तस्वीर खिंचवाने आया था और चाहता था कि ऐसा चित्र जो मेरे जैसा ही होगा। मैं ऐसा कुछ चाहता था जो मेरे चेहरे को ऐसे चित्रित करे जैसे परमात्मा ने मुझे दिया था, चाहे वह उपहार कितना भी साधारण क्यों न हो। मैं ऐसा चित्र चाहता था कि मेरे दोस्त मेरी मृत्यु के बाद यादगार के रूप में रख सकें और मेरी मृत्यु का सदमा सहन कर सकें। ऐसा लगता है कि मुझसे गलती हुई, जो मैं चाहता था वह नहीं हुआ। अब अपना दुष्ट काम जारी रखो, अपना नेगेटिव या जो भी आप इसे कहते हैं, उसे अपनी पसंद की चीज़ सल्फाइड, ब्रोमाइड, ऑक्साइड, काउहाइड, जिसमें चाहो डुबाओ। आँखों को हटाओ, मुंह को ठीक करो, चेहरे को सुधारो, होठों को वापस लगाओ, नेक टाई को फिर से सजीव कर दो और कोट को दोबारा बनाओ।
इस पर 1 इंच की पॉलिश लगा दो, इसे शेड कर दो, इसे नक्काशी कर दो। जब आपको विश्वास हो जाए कि ये फोटो पूरी हो चुकी है, फिर जब आप यह सब कर लो तो इसे आप चाहें तो अपने या अपने दोस्तों के लिए रखें, जो चाहें इसे महत्व दें। मेरे लिए ये एक बेकार चमकदार चीज़ है। मैं फूट फूट कर रो पड़ा और वहाँ से चल पड़ा। धन्यवाद।